सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 167 दिव्यांग जनों को माला पहनाकर स्कूटी की चाबी सौंपी तथा हेलमेट भेंट किए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने उपस्थित दिव्यांग बालक बालिकाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बाधाओं को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। उन्होंने स्कूटी के साथ हेलमेट भी भेंट करते हुए सभी को नियमित पहनने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों के हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में करीब 12,000 से ज्यादा स्कूटियों का वितरण किया है। उन्होंने बताया कि आज भी 167 स्कूटी दिव्यांगों को वितरित की जा रही है। आज अलवर जिले में पूरे राजस्थान में सबसे अधिक स्कूटी का वितरण किया जा रहा है और आज भी हमने लगभग 167 स्कूटी हम बांट रहे हैं और 87 स्कूटी हमने परसों बांटी थी और शाम तक 60 स्कूटी और हम हमारे जो दिव्यांगजन हैं इनको उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे ही राजस्थान में लगभग 7,000 स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना और विधायक फंड के द्वारा सरकार बांट रही है और मैं कहना चाहूँगा पहली बार ऐसा हुआ है कि अब से पहले किसी भी सरकार ने दिव्यांगजनों के बारे में नहीं सोचा। आज मुख्यमंत्री जी ने 12,000 से अधिक स्कूटी इन 3 वर्षों के अंदर, 2 साल तो कोरोना के अंदर चले गए उसके बाद में बांटी हैं और उसको देख के आप खुद ही इनके चेहरे देख के समझ सकते हैं और मेरे पैर में खुद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों के अंदर हमें कई बार मजबूरी का सामना करना पड़ता है। हर समय हर व्यक्ति कोई साथ नहीं रह सकता, ऐसे समय में कहीं बाहर भीतर जाना है, कहीं काम पे जाना है, कहीं रोजगार है, तो ऐसी स्थिति के अंदर दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री जी ने 2 पैर दे दिए हैं जहाँ से वो सक्षम होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूँ और यही नहीं, दिव्यांगजनों के लिए जिनकी नौकरी है उसके अंदर 1% आरक्षण बढ़ाकर 3 से 4% किया है। प्रमोशन में आरक्षण नहीं था, सीधा 4% प्रमोशन में आरक्षण दिया है। यही नहीं, BPL के समान सुविधाएं, विशेष योगजन ऐसे हैं जिनको सहारे की जरूरत है उनको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा किए हैं, पेंशन भी 750 से बढ़ाकर 1,000 रुपये की है और स्कूटी योजना चली रही है। इसके अलावा और भी जो योजनाएं हैं उनके अंदर दिव्यांगजनों को विशेष रूप से जोड़ते हुए हम लाभ दे रहे हैं।